करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करणम, धन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, तेज कुवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जय, तीनों पूरी धाम की जय, सर्व सुंदर सास की जय, प्रणाम। श्यामा श्यामा धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परणरा प्रणाम हो। श्यामा श्यामा हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। रंग महल में रहना हमारी, युगल स्वरूप के छवि जहाँ प्यारी, रंग महल में रहना हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। श्यामा श्यामा हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, परात्मा का असल ठिकाना। मूल मिलावा खिलवत खाना, परात्मा का असल ठिकाना। श्यामा श्यामा हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम्य के किए उजियारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम्य के किए उजियारे। श्यामा श्यामा हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। नहीं हुआ कोई बात नहीं। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, पानी ले लो। हाँ पानी ले लो, तबीयत का तो फिर अपने को हाथ में नहीं हाँ है। हाँ एकदम। स्वर्ण दीदी आप आ जाओ 5 मिनट। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ दीदी 5 मिनट ले लेना है ना। प्रणाम, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। श्री सतगुरु रूप सुहाए, हद बेहद पार तो। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। मेरा दा भरपूर समंदर, मेरा साहिब प्यारा, परम धाम तो लैके आया सखियां 12 हजारा। अपनी लाडलियां नू प्रीतम, अपनी लाडलियां नू प्रीतम, ये दुख दा खेल दिखावे। मेर दिया नजरां विच रखे, किते माया लग न जावे। अपनी लाडलियां नू प्रीतम, ये
ए दुख दा खेल दिखावे मेर दिया नजरा विच रखे किते माया लग न जावे तनिज मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले खाकी बुत विच ना कोई ताकत जो अर्श दी बोली बोले रहमत ए मेरे प्रीतम दी अपने गुज आप ही खोले बिन मांगे सुख रूआं नु देना बिन मांगे सुख रूआं नु देना ए उस दी प्रीत अनोखी आज तलक कोई जान न सकिया ना ही किसी ने वेखी बिन मांगे सुख रूआं नु देना ए उस दी प्रीत अनोखी आज तलक कोई जान न सकिया ना ही किसी ने वेखी धनिज मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले तेरी निस्बत तू ही निभावे साथ ना कुछ सरिया तेरिया मौजा तू ही जाने तू सागर मेरा भरिया बिन तेरे मैं कुछ न तका बिन तेरे मैं कुछ न तका एक तू ही तू है मेरा बिन तेरे जग रात अनेरी तू लाया हर्ष दस सवेरा बिन तेरे मैं कुछ न तका एक तू ही तू है मेरा बिन तेरे जग रात अनेरी तू लाया हर्ष दस सवेरा तनिज मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले दिल दिया गल्ला दिल ना ले ओवन नजरा नु नजर तू आवे नारे पर्दा नारे दूरी सभी को एक हो जावे इश्क दिया तू लाइया जड़िया बीज गया तन मन मेरा हो गई मैं ता खंड सुहागन तू अखंड सुहाग है मेरा इश्क दिया तू लाइया जड़िया बीज गया तन मन मेरा हो गई मैं ता खंड सुहागन तू अखंड सुहाग है मेरा तनिज मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले श्री सत गुर रूप सुहाए हद बेहद पार तू आए तनिज मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेरा वाले बोलो शिव प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सुंदर साहब प्रणाम जी स्वर्ण दी प्रणाम जी वृंदा दी प्रणाम जी हाँ जी सुंदर साहब जी शुरू करते हैं बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय सतगुरु महाराज की जय पन्ना धाम की जय सब सुंदर साथी की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन फिर कहूं पुखराज की जो बेवरा छात ऊपर गिरदवाई फिरती एक रस रंग पात बराबर रंग पात बराबर पुखराज पहाड़ की सुंदर शोभा आलौकिक नूरी शोभा को हम सब मिलकर समझने का प्रयास कर रहे हैं श्री राज श्यामा जी की मेज से आज पढ़ना है हमें पुखराज की हजार भूम ऊपर मोटे रूप में हजार भूम कहा जाता है नहीं तो एक भूम ऊपर चबूतरा चबूतरे पर फिर चौरस चबूतरा फिर उसमें पांच भूम के वृक्ष उठते हैं और छठी छात से छज्जे बढ़ते हैं और छज्जे बढ़ते हैं अपने हजार भूम लेकिन चांदनी की जब बात आती है तो वो हजार भूम ऊपर ही कही जाती है
उन हजार हाथ चांदी की सुंदर शोभा का वर्णन, जो हजार भूम ऊपर हजार हाथ की चांदी बनी है। पुखराज की फिरती हुई गोल चांदी गृदवाए हजार हाथों में पहलदार गुलाई में, और इनमें जैसे शोभा हमने तली देखी कि हजार हाँस भूम भर का ऊंचा चबूतरा, उनमें हाँस हाँस पे गुर्ज हजार रंगों नगों में चिन्ह मिलाते, ठीक वैसी ही शोभा अपने को हजार हाँस चांदी पर मिलेगी। तो इस शोभा की ओर आज बढ़ते हैं, अपने आप को धनी चरणों में समर्पित करके कुंभ जी में विराजमान हकी स्वरूप या प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा करते हुए हम सब खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की उत्तर दिशा में स्वर्णिम आभा से झिल मिलाता वो पुखराज साहिब उनकी चांदनी के ऊपर, और चांदनी की सुंदर अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास करेंगे। हमने शोभा देखी थी छज्जे बढ़ना, थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आए थे कि जो 14 मेहराबे हैं वो क्लियर नहीं हो रही, तो उसको एक ड्रॉ के माध्यम से, ये हमारी जो सीमा दीदी हैं सहारनपुर वाले, शायद सहारनपुर की हैं, तो उनकी तरफ से ये सुंदर ड्रॉ देखिए आप। ये देखिए दिशा का पेड़, दिशा का पेड़ पश्चिम की घाटी की तरफ 44 को उसके छज्जे बढ़ाता हुआ, इधर पश्चिम की घाटी भी सेम उसी लेवल पे छज्जे बढ़ाती हुई 44-44 कोस के छज्जे अपने 250 भूम तक बढ़े। 250 भूम के पास अपनी जो 66,000 की जगह रह गई वहां पर एक सुंदर पार्ट बन गया, पुल कहें बड़ा छज्जा कहें, इसको लंबा छज्जा कहें, हम इसको पार्ट कहें पुल कहें। अब इस पुल पर आते हैं तो दोनों तरफ, क्योंकि अभी तक जो भी छज्जे बढ़ रहे हैं उनमें थम्बों की शोभा आती है, वर्णन में नहीं है लेकिन ये शोभा को लेके चले कि जब इस पुल के ऊपर हम घुड़सवारी करते हुए हाथी की सवारी करते हुए निकल रहे हैं तो दोनों तरफ थम्बू की सुंदर हारे मेरा भी द्वार कठेड़ा। अब भूम दर भूम आगे भी छज्जे बढ़ने हैं गृदवाए 44 कोस के, तो ऐसे करते करते ये पुल कम होते होते जब हम 2000 भूम ऊपर पहुंचेंगे पुखराज की चांदनी पर तो ये पुल खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये देखिए 66,000, फिर दोनों तरफ से 44-44 कोस के छज्जे बढ़े तो 88 कोस कम हो गए, अगले में फिर 88 कोस कम हो गए, ऐसे करते करते 750 भूम में ये पुल का आपस की जो माहौल है इनका मिलान हो जाएगा, पुल धीरे धीरे कम होता होता एक रूप हो जाएगा। अब इन्हीं पुल के तले, ये जो अपना पुल है, इस पुल के तले महाराज शिव जी कहते हैं कि एक विशाल वृक्ष आकर लगता हुआ, हम एक वृक्ष की शोभा को दिल में बसाएं। कल जैसे चित्रा ने मैसेज में बड़ा प्यारा वर्णन किया था कि जो एक वृक्ष है वो अपनी डालियां इस तरह से बढ़ा के पास वाले वृक्ष से मिलान कर रहा है कि यहाँ पर एक सुंदर मेहराबों की दो शोभा हो जाती है, यहाँ पर इन एक लंबे पुल के तले दो मेहराबों की अपने को शोभा नजर आती है। तो ऐसे पश्चिम घाटी की तरफ ठीक ऐसी शोभा बंगला जी की तरफ, और ऐसी शोभा उत्तर घाटी की तरफ, तो वहां पे जो लंबे पुल है इस तरह से दो दो मेहराबों में दिखाई देते हुए, 8 मेहराबे हमने मध्य चबूतरे पर देखी थी और 6 मेहराबे ये सुंदर शोभा। ये पिक्चर में जो नक्शा है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अब बढ़ते हैं चांदनी के ऊपर। पुखराज की इन हजार भूम ऊपर चांदनी पर है, चांदनी का विस्तार सुंदर साज जी उतना ही है जितना हमने तले गोल चबूतरे का विस्तार देखा था। गोल चबूतरा अपना कितनी लंबाई चौड़ाई में आया था, गोल चबूतरा अपना कितनी लंबाई चौड़ाई में कितनी गृदाई थी, 133,333। हाँ जी, और गृद होगी गृद यानी परिक्रमा 4,00,000। हाँ जी, तो अपन यू परिक्रमा करते हैं तो 4,00,000 कोस। अब बिल्कुल जो यहाँ से देखो जब 250 भूम के बाद गृदवाए छज्जे बढ़ते हैं तो 750
44 कोस के छज्जे, 3 हारे मोहल्लों की और 1 हार दहलान की। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब हम 750 भूम पर आते हैं तो चांदनी का उतना ही विस्तार जितना इस चबूतरे का विस्तार है। अब यहाँ से 400 कोस का छज्जा निकलेगा, घेर कर 400 कोस का छज्जा निकलेगा इसको। तो इन शोभा को अपन मराशी जी के नक्शे से देखते हैं। ये हजार हांस चांदनी का दृश्य, और यहां पर हम देखेंगे 133,333 कोस यहां से यहां तक, है ना, जो अपनी तले की जो चबूतरा था उसके ऊपर छत यहां पर हुई। अब यहां से ये जो रेड कलर में दिखाया है ये 400 कोस का छज्जा, बिल्कुल वैसे जैसे रंग मेल में हम कहते हैं ना दूसरी भूम में 33 कोस का छज्जा निकला, तो यहाँ पर चांदनी पर 400 कोस का छज्जा निकला। श्री रंगमेल की चांदनी पर सुंदर सा जी कितना छज्जा निकला था अपना, श्री रंगमहल की चांदनी पर, और उस छज्जे ने नीचे किसको कवर किया था, याद है सुंदर सा जी? श्री रंगमहल की चांदनी से कितने हाथ का छज्जा निकला और उस छज्जे ने किस जगह को कवर किया? हाँ जी रेणु जी, हमें याद हो तो पुखराज के चबूतरे को घेर कर पुखराजी रोस आई थी, तो इन छज्जे ने उस पुखराजी रोस को कवर कर लिया, जो अपनी पुखराजी रोस आई थी उन पे ये छज्जा आ गया। अब घेर कर जो महावन के वृक्ष हैं वो इस चांदनी से मिलान कर लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमने शोभा देखी घेर कर 400 कोस के छज्जे की। अब पूरी चांदनी का व्यू एक बार देख के फिर एक एक शोभा को देखेंगे। किनार पर 400 कोस में तो अपनी हजार हांस मोहलाते आई, ठीक मध्य 44,000 कोस में अपना आ गया आकाशी महल। इन दोनों के बीच में जो जगह बसती है उनमें बेशुमार बाग बगीचे, इनको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए घेर कर ये हजार हांस मोहलाते, हजार हांसों में गृद्वाय शोभा है तो इसलिए इसको हजार हांस मोहलाते कहते हैं, जिसमें चार दिशा में बड़े दरवाजे आएंगे और घेर कर हजार हांस महल। और ये अपना हो गया आकाशी महल, भूम दर भूम ये भी हजार भूम जाएगा। और इन दोनों के मध्य जो जगह है उन जगह बेशुमार नहरें बाग बगीचे सुंदर शोभा, अपरंपार नहरें चबच्चे, कई तरह के विध विद के वन, जितने वन हमने देखे हैं उतने वन हम दिल में लेके आए कि यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे हैं। अब हम सबसे पहले शोभा देखते हैं कि किनार पर हजार हांस मोलाते कैसे आए। तो हम छज्जे पर हैं, छज्जे से 3 सीढ़ी ऊंचा 400 कोस की चौड़ाई में, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 कोस का चौड़ा, और घेर कर हजार हांसों में पूरा गोलाई में घूमकर 400 कोस का तो चौड़ा और लंबाई में पूरा हजार हांसों में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा। सबसे पहले इन छज्जे की भीतरी किनार पर एक 400 कोस यानी एक हांस का चौड़ा हो गया और लंबाई हम देखेंगे हजार हांस में, ऐसे घेर कर अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो ये शोभा वो हो गई जिसमें ये शोभा बनी, घेर की ये जो शोभा आनी है ना इसकी चांदनी दिखाई दे रही है, तो ये एक हांस की चौड़ी और घेर कर हजार हांसों में फिरी है। तो जब वर्णन होगा बाहरी तरफ बाहरी दीवार का तो ये हो गई महावन की तरफ, भीतरी दीवार ये हो गई आकाशी की तरफ, इसमें बाहरी और भीतरी दीवार का वर्णन आएगा। तो ये अपना किनार पर 400 कोस का चौड़ा और हजार हांस में घेर कर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब हम इसमें हजार हांस से हजार हांसों में उठा, अब इसमें हम एक हांस की शोभा देखते हैं। सबसे पहले एक हांस को हम दिल में लेते हैं, थोड़ा जूम कर रही हूँ नक्शे को, एक हांस की शोभा को हम दिल में लेते हैं। एक हांस अपना यहां से लेकर यहां तक, ये 400 कोस का,
यहां से 400 कोस की चौड़ाई और ऐसे ही 400 कोस की लंबाई। तो देखेंगे बाहरी तरफ भी 50 कोस की रोस, भीतरी तरफ भी 50 कोस की रोस, दो तरफ रोस छूटी तो ये अपने पास 300 कोस की जगह हुई। इसी तरह से 50 कोस की जगह इधर गुर्ज में दाबी, 50 कोस की जगह इधर गुर्ज में दाबी, यहाँ पर गोल गुर्ज आते हैं तो ये अपने पास 300 कोस का हिसाब रह जाता है। तो 300 कोस में हवेली आती है और हाँ सांस पे गुर्जों की शोभा आती है और इन गुर्जों में अपने आते हैं दो थंभों की हार तीन नलियां। हाँ सांस में ये देखिए गुर्ज की शोभा आ रही है, इनमें दो थंभों की हार तीन नलियां। 50 कोस इस दाएं हाथ से लिए, 50 कोस इन बाएं हाथ से लिए, तो ये 100 कोस का चौड़ा अपना ये गुर्ज हो गया जिसमें दो थंभों की हार तीन गली और प्रत्येक गली अपनी हो गई 33-33 कोस की। 100 कोस का चौड़ा और 33-33 कोस की इसमें गली। और यहाँ बाहरी तरफ देखेंगे यहाँ पर गोल गुर्ज शोभायमान होता हुआ, 100 कोस की तो लंबाई है और चौड़ाई में 33 कोस होना चाहिए, वर्णन नहीं है क्योंकि ये भीतर जो अष्ट मेहराबी चबूतरे हैं इसकी चौड़ाई 33 कोस दी है। तो ठीक इन शोभा के सामने ये शोभा है, साम सामी शोभा है, ये भी 1000 ये भी 1000, तो दिल ये कहता है कि ये भी 33 कोस की चौड़ाई होनी चाहिए क्योंकि 100 कोस की चौड़ाई होगी तो अपने पास रोज 50 कोस की है तो वो शोभा अच्छी नहीं लगेगी। तो 100 कोस की लंबाई 33 कोस की चौड़ाई हम मान के चले और इसमें अपने को तीन दरवाजे मिले। एक सुंदर महामिलन गुलाई में अपने को दीवार नजर आ रही है, उस दीवार में अपने को तीन दरवाजे नजर आ रहे हैं। सुंदर वर्णन आता है वृत्ति में कि स्वर्णिम आभा से झिल मिलाते ये द्वार। इन द्वारों के भीतर गए तो अपने को तीन मेहराबे, उन तीन मेहराबों के आगे तीन गलियां नजर आ रही है और इन गलियों से अंदर आते हैं तो यहाँ पर अपने को अष्ट मेहराबी चबूतरे दिखाई देते हैं। तो पहले अपन अष्ट मेहराबी चबूतरों की शोभा को भी देख लेते हैं। देखिए इस नक्शे में अपन देखिए अष्ट मेहराबी चबूतरे, ये देखिए बाहर तो ये अपना हो गया गोल गोज, कितना विस्तार दिखाया महाराज जी ने यहाँ पर, तीन दरवाजे, भीतर गए तो तीन मेहराबे और दो थंभों की हाँ तीन गली। और ठीक इसके सन्मुख भीतरी दीवार में अपने को 100 कोस का लंबा 33 कोस का चौड़ा एक चबूतरा मिलता हुआ, तीन मेहराबे भीतर, तीन मेहराबे भीतर, तीन मेहराबे तो इधर त्रिकोली की तरफ और तीन मेहराबे अपनी हो गई आकाशी महल की तरफ। और एक एक नक्शा मेरे ख्याल ठीक नहीं है आप जो दिखा रहे सामने। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट। हाँ जी सुंदर साहब जी अब आ गया शायद, है ना? हाँ जी अब आ गया। हाँ हाँ जी सुंदर साहब सॉरी, वो ध्यान नहीं रख शेयर करने का। ये देखिए बाहर गुर्ज अपना गोल कितना प्यारा दिखा रखा है विस्तार में कि एक सुंदर नूरी दीवाल, उस दीवाल में तीन दरवाजे, इन दरवाजों से भीतर गए तो तीन मेहराबी द्वार, इनसे भीतर जाएंगे तो हम दो थंभों की हार तीन गलियों में आ गए। अब इसको जब हम पार करेंगे, ये 300 कोस की अपने पास जगह है, इसको पार करेंगे तो भीतर की तरफ ये अष्ट मेहराबी चबूतरा, 100 कोस का तो लंबा और 33 कोस का चौड़ा, तीन मेहराबी भीतर त्रिपोली की तरफ, तीन मेहराबे आकाशी महल की तरफ और एक एक मेहराब दाएं बाएं, तो टोटल ये 8 मेहराबे। तो घूम दर घूम पांचों भूमों में ऐसी अष्ट मेहराबी चबूतरे, अभी खड़े दृश्य भी दिखाऊंगी। तो ये अष्ट मेहराबी चबूतरा हुआ, भीतर की तरफ से बाहर अपना गुर्ज उठाता है। अब शोभा को यहां से देखते हैं, ये देखिए यहाँ बाहरी दीवार में हांस हांस के कोने जहां मिल रहे हैं वहां पे गोल गुर्जों की शोभा और भीतरी दीवार पे यहाँ पर अष्ट मेहराबी चबूतरों की शोभा। तो हम शोभा देख रहे थे कि 50-50 कोस दोनों गुर्जों ने लिए तो अपने पास 300 कोस की जगह, 50-50 कोस इस रोस ने लिए तो अपने पास एक हांस में जगह रह गई 300 कोस की लंबी चौड़ी। अब यहाँ पर आएगी 1000 हांस मोहलाद, यहाँ पर आएगी 1000 हांस मोहलाद। उन शोभा को देखते हैं, ये देखिए इन नक्शे से देखिए ये दाएं बाएं आधा आधा गुर्ज ले गए जो 50-50 कोस गुर्ज ने दबे, 50-50 कोस हमने देखा रोस ने, और यहाँ पर चार हवेलियों की चार हारे आती है, चार हवेलियों की चार हारे। इन 300 कोस में अपने पास चार हवेलियों की चार हारे आएंगी,
इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं, ये देखिए, ऐसे चार हवेलियों की चार हारे, ये प्रत्येक हवेली 50 कोस की, 50 कोस की लंबी चौड़ी। तो 50 कोस की लंबी चौड़ी है हवेली, और ठीक मध्य का त्रिपोलिया 50 कोस का, और दाएं बाएं की त्रिपोली 25-25 कोस की। एक बार मैं ये हिसाब लिख देती हूँ, ये हवेली है अपनी 50 कोस की, सभी हवेलियां 50 कोस की, ये मध्य त्रिपोलिया है अपना 50 कोस का, और दाएं बाएं के त्रिपोलिये हैं, ये वाले त्रिपोलिये ये है 25-25 कोस के, ये त्रिपोलिये 25-25 कोस के हैं। तो अब हम इसका हिसाब लगावे कि 300 कोस, 50-50-50-50, चार हवेली हो गई 200, 200 कोस की लंबाई चौड़ाई हवेलियों ने घेरी, 50 कोस ये, 25-25 कोस के, 100 कोस अपने त्रिपोलिये ने घेरे, तो 300 कोस का हिसाब हो जाता है। लेकिन अपने को एक शोभा के अकॉर्डिंग लेना है, तो इतना जानना अपना काफी है कि इन 300 कोस में चार हवेलियों की चार हारे, अब चार हवेलियां आई हैं तो उनमें 3 त्रिपोलिया आएंगे, तो जो मध्य का त्रिपोलिया है वो बड़ा है 50 कोस का, और दाएं बाएं के त्रिपोलिये यानी 2 थम की 3 हार वो छोटे हैं यानी 25 कोस के, तो अपना 300 कोस का हिसाब पूरा हो जाता है। तो इस तरह से अपने पास चार हवेलियों की चार हारे। सुंदर साथ जी, यहां तक का रिवाइज सुंदर साथ करें, फिर आगे बढ़े। कौन करेगा रिवाइज कि छज्जा कैसे बड़ा, और हाँ जी चित्रांशी के अलावा, चित्रांशी को तो सब आता है। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। हाँ जी प्रणाम जी, मेरे को आता नहीं है, मैं सीख ही रही हूँ आंटी। अच्छा चलो बताओ बेटा। सबसे पहले तो हजार भूम पे जो पुखराज पहाड़ का जो पूरा चबूतरा आया है ऊपर जो चांदनी पर, उसके आगे 400 कोस का एक छज्जा बढ़ेगा जो कि नीचे की पुखराजी रॉस को कवर करता हुआ सेम शोभा ऊपर आएगी 400 कोस की। उसके बाद आगे चलेंगे तो 50 कोस का भी एक और छज्जा आएगा। आंटी मुझे एक डाउट था कि जो ये 400 के बाद 50 पे जाएंगे तो वो कुछ ऊपर नीचे है या सेम लेवल पर है? नहीं, वो वैसे मूल वृत्ति में वर्णन नहीं है, नई वृत्ति में वर्णन दिया है कि यहाँ से 50 कोस का छज्जा वो सेम लेवल में है, 450 अपन लेते हैं तो सेम लेवल में है, तो अब इसको अपन 400 कोस की जगह 450 कह देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद ये पूरा गोल घेर कर 1000 हांस आए हैं जो कि 400 कोस के लंबे और 400 कोस के चौड़े आए हैं। अब अगर एक हांस की शोभा देखें तो सबसे पहले दोनों साइड्स में 50 कोस का गुर्ज ने लिया है दोनों साइड्स में, मतलब 50 कोस यहाँ 50 कोस दूसरी साइड पर, तो ये हो गए हमारे 100 कोस कवर अप हो गए। बच्चे 300 कोस, तो उसमें जो चार हवेलियों की चार हारे आई हैं उसमें से प्रत्येक हवेली 50 कोस की आई है, तो अगर तो लंबाई के हिसाब से देखें तो 50 × 4 200 कोस ऐसे हो जाएंगे, अभी 100 कोस बचेंगे, जिसमें से जो मध्य वाला त्रिपोलिया है वो 50 कोस का और दाएं बाएं वाले 25-25 कोस के, इसी प्रकार यही शोभा चौड़ाई में जाएगी, तो ये 300 × 300 कोस की शोभा पूरी हो गई। अब अंदर के साइड जाएंगे तो 50 कोस का घेर कर वहां पर भी रॉस आई है, जिस प्रकार बाहर 50 कोस की रॉस थी उसी प्रकार अंदर भी आई है, तो टोटल 400 × 400 कोस का प्रत्येक हांस की शोभा इस तरह होती है। हाँ जी बहुत सुंदर बेटा, पूरा रिवाइज कर दिया। तो सुंदर सा जी, अभी हमने देखा हांस हांस के कोने पे गोल गुर्ज बाहरी तरफ से और भीतरी तरफ से अष्टमेरावी चबूतरे, तो 50 कोस इस गुर्ज ने लिए, 50 कोस इस गुर्ज ने लिए, और इधर 50-50 कोस की रो से, तो अपने पास 300 कोस, 300 कोस में हमने देखा 50-50 कोस की चार हवेलियों की चार हारे, और उनके मध्य का त्रिपोलिया 50 कोस का और दाएं बाएं के 25 कोस के, तो ये बिल्कुल इसी तरह से हिसाब चलेगा जैसे ये मध्य का त्रिपोलिया 50 कोस का आया है और दरवाजे आए हैं, ठीक हम इस तरफ से भी देखेंगे तो ये त्रिपोलिया अपना बड़ा होगा,
और दाएं पाएं की ये जो त्रिपोलिये हैं ये 25-25 कोस के होंगे। तो इस तरह से शोभा दोनों तरफ से आएंगी। उन्होंने अभी सही बताया, ये अभी बताया नहीं था मैंने, ये देखो इस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों तरफ ये जो मध्य त्रिपोलिया है 50 कोस का आएगा और दाएं बाएं के जो त्रिपोलिये हैं वो 25-25 कोस के। अब हम शोभा देखते हैं, एक हवेली की बाद में देखेंगे, पहले संपूर्ण शोभा देख लेते हैं। जो मध्य त्रिपोलिया है उसके बाहर अपने को एक बड़ा दरवाजा, ये चार हवेली की चार हारों को हम एक हवेली गिने। युगलदास माझी कहते हैं अगर तो इसको एक हवेली गिनते हो तो घेर कर 1000 हवेली आई, और अगर तो आप इसको 16 हवेली गिनते हो तो 16000 हवेली आई, तो जैसा दिल भावे। लेकिन ये चार हवेलियों की चार हारे एक समूह हुआ जिसके चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, ये मध्य त्रिपोली के सामने बड़े दरवाजे। इस प्रकार से इस जगह भी, यहाँ वर्णन नहीं है इस नक्शे में नहीं दिखा रखा, लेकिन इस तरफ भी बड़े दरवाजों की शोभा। तो ये यहाँ पे अपना 50 कोस का बड़ा दरवाजा, ठीक मध्य जो अपने 50 कोस का त्रिपोलिया आया है वहां पर 50 कोस का बड़ा दरवाजा, उस दरवाजे के अंदर अपने को त्रिपोलिया नजर आएगा। और दाएं बाएं जो हवेली रही उन हवेलियों के सामने 50 कोस के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे, सुंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे, जैसे हमने रंग महल की हवेलियों के बाहर देखे, चारों कोनों पे थम, उनमें सुंदर मेहराबे, तले किला, ऊपर चंद्रमा की शोभा और भूम दर भूम, ये पांच भूम जाएंगे और इनमें सुंदर बैठ के। तो ये शोभा हुई। और फिर ये जो दाएं बाएं एक एक और हवेली रह गई, तो यहाँ पर इस पिक्चर में अपन देखे यहाँ भी छोटे दरवाजे और छोटे गुर्ज दिखाई, छोटे चबूतरे अपने को दिखाई देते हुए। एक बार मैं थोड़ा जूम करती हूँ शोभा को। ये जो दाएं बाएं एक एक हवेली और रह जाती है अपनी, ये देखिए मध्य हवेली, ये जो मध्य की हवेली इसमें तो अपना दरवाजा हो गया मध्य त्रिपोलिया में, दाएं बाएं जो हवेली है उनके आगे चबूतरे आ गए। अब एक हवेली और एक त्रिपोलिया अपने पास बचा हुआ है, तो इन हवेली में तो दिखा दिया दरवाजा और दाएं बाएं छोटे चबूतरे, है ना। ऐसे यहाँ पर शोभा दिल में आती है, वर्णन नहीं है क्योंकि ये जगह खुली तो होगी नहीं। तो यहाँ पे हम देखें, अक्सर हमने देखा है कि मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं गोल गुर्ज होते हैं, तो इस त्रिपोलिया के सामने हम एक छोटा ऐसे गुलाई में या सीधी दीवार लेवे और उसमें तीन दरवाजे होंगे जिससे हम त्रिपोलिया में अंदर जा सकते हैं। इसका वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी, जैसा दिल में शोभा बैठे। आज सुबह से मैं शहूर कर रही थी क्योंकि ये बाहरी दीवार है, तो ये दो थम की हार तीन गलियां खुली तो हो नहीं सकती, या तो ये सीधी दीवार होगी इनमें तीन दरवाजे, या हम इन दरवाजों के बाहर यूं गोलाई में छोटी सी दीवार ले लेवे और उसमें तीन दरवाजे, जैसे ये बड़े अपने त्रिपोलिये, ये छोटे त्रिपोलिये के आगे अपने ऐसी सुंदर शोभा। तो इस तरह से हमने देखा कि ठीक मध्य बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, तो अपने पास घेर कर चार बड़े दरवाजे निकाल लें तो 996 अपने पास है। तो ये 996 बड़े दरवाजे, और इसको क्या है बहुत आसानी से कह देते हैं उन चार बड़े दरवाजों को भी मिला के कि 1000 अपने बड़े दरवाजे और 2000 चौकटे गुर्ज, ये बाहर की तरफ भी है और ये भीतर की तरफ भी है। 2000 तो बड़े दरवाजे और 2000 चौकटे गुर्ज, ये अपने हो गए चौकटे गुर्ज। तो ये अपने बाहर की तरफ भी है और भीतर की तरफ भी है। बाहर की तरफ 1000 गोल गुर्ज है, भीतर की तरफ अष्टमेरा भी चबूतरे हैं। अब हम एक हवेली की शोभा को देखते हैं। एक बार सुंदर साथ जी, इसमें दरवाजे किस जगह आए हैं थोड़ा सा वर्णन करेंगे। इन एक हवेली में दरवाजे दरवाजा किस जगह आया है उसका वर्णन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो ये हमारी चार हवेलियां, चार हवेलियों के मध्य में जो 50 कोस का तो त्रिपोलिया आया है, उसके सामने हमारा दरवाजा आया है जो कि, और उसके आसपास दो चबूतरे आए हैं और इनके सुंदर मेहराबे बनेंगी, और इसी तरह ही दूसरी भीतरी तरफ भी
मध्य में दरवाजा और आसपास चबूतरों की शोभा आई है। और दो दूसरा छोटे वाले जो हैं 25 कोस के हैं, जो उनके बाहर छोटा मतलब गोल जैसे हमारे बड़े गुज की शोभा है, वैसे ही छोटे गुज की शोभा आएगी और उसमें 3 दरवाजे आएंगे। और इसमें छोटा दरवाजा छोटे दरवाजे है ना। हाँ जी सुंदर साहब जी, इस तरह से 4 हवेलियों की 4 हारों का एक समूह हुआ। चारों दिशाओं में मध्य त्रिपोली के सामने अपने को बड़े दरवाजे दिखाई देते हुए और दाएं बाएं हवेलियों के सामने अपने को चौकटी खुर्स दिखाई देते हुए। पहली भूम में इसको चबूतरा कहते हैं, फिर भूम दर भूम ऊपर जाते हैं तो इनको गुर्ज कहते हैं। और यहाँ पर भी अपने को दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे मिलते हुए। और इन मध्य त्रिपोली का वर्णन नहीं है सुंदर साजी, लेकिन ये कन्फर्म है या तो यहाँ पर सीधी दीवार आएगी या चितवन में अगर अपनी जैसी ये गोल गुर्ज त्रिपोली के बाहर जगह है वैसी शोभा हम यहाँ बिठाएं। ये अपनी चितवन के ऊपर है कैसी शोभा बैठती है। तो ये अपना एक हुआ 4 हवेली की 4 हारे। अब एक हवेली की शोभा देखते हैं। एक हवेली अपनी है 50 कोस की लंबी चौड़ी। और सुंदर सा जी देखो विस्तार यहाँ का, 50 कोस की लंबी चौड़ी और एक तरफ अपनी 50 महल आते हुए, एक तरफ अपने महल 50 आ रहे हैं। यहाँ पे एक एक कोस के महल है, तो हम सोचे कि यहाँ पे एक एक कोस का कितना विस्तार। श्री रंग महल में मंदिर में 100 कोस बताए, यहाँ तो एक एक कोस में एक एक महल दे दिया, तो यहाँ आते आते विस्तार को हम महसूस करें। तो इन 50 कोस की हवेली में चारों तरफ 50-50 घेर कर 200 महल बताए गए। चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, चबूतरों की शोभा है ये है। और भीतर जाएंगे तो ये नीले रंग में थम की हार, बेशुमार बाग बगीचे, चारों दिशाओं में रास्ते और ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चारों किनार पर थम और हिंडोलों की शोभा। तो एक बिल्कुल चौरस हवेली रंगमहल की हो गई। बस ये है कि भीतरी गली में यहाँ पर बगीचे आए हैं और यहाँ पर जो थम्ब आए हैं उन थम्बों की मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं। ये शोभा आगे आकाशी महल में भी चलेगी, थम्बों की मेहराबों में हिंडोले। तो ये सुंदर शोभा जो हमने अभी 4 महलों की 4 हारे देखी, तो उसकी एक मेहराब की ये सुंदर शोभा। अब हम देखते हैं, ये देखिए एक हांस में 16 हवेली, तो एक हवेली का ये विस्तार था। तो इन सुंदर शोभा को देखा महाराज शिव जी, देखो इसमें बता रहे हैं 4 ऐसे दरवाजे, ये देखो इनकी चौड़ाई तरफ भी महाराज जी ने दरवाजे दिखा रखे हैं। ये देखो चबूतरे दिखा रखे हैं ना, चौड़ाई तरफ भी दरवाजे दिखा रखे हैं। अब हम देखिए गुर्ज की शोभा को एक बार वापिस से, गुर्ज की शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। उसमें महाराज जी ने विस्तार से दिया, मेरा उस नक्शे पे नजर ही आज पड़ी है। ये देखो ये बाहर की तरफ से जब हम देख रहे हैं तो 100 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा, दो हांस से एक बड़ा करते हैं। दीदी वहां से अंदर सीधा सीधा चलेंगे तो कमर भर ऊपर चलेंगे अष्टमेरावी के लिए चबूतरे से। कहां पर ये अभी सीधा सीधा चले ना गोल गुज से सीधा, हाँ कमर भर ऊंचा मैंने आज ही देखी है शोभा। मैं अभी जब आप बोल रहे थे ना तो ये अच्छा लगा, ये शोभा आज ही देखी है, मैंने भी आज ही नजर गई है जब ये नक्शा सामने आया ना, तभी अच्छा ना वो मतलब पहली ही भूम में अपने को कमर भर ऊंची सुंदर बैठक मिल गई है ना, पहली ही भूम में। हाँ जी सुंदर साहब जी, अपन बाहर 50 कोस की रोस पर खड़े हैं, तो यहाँ पर इस जगह को अभी हम देखते हैं, ये बड़े दरवाजों का वर्णन है। अभी हम सिर्फ इस गुर्ज पे ध्यान करते हैं, बड़े दरवाजे अब इसके बाद देखेंगे। तो ये अपना गोल गुर्ज, दोनों हाथों से 50-50 कोस लेके 100 कोस का गुर्ज हुआ, लंबाई में तो 100 कोस है, इनमें 3 मेहराबे और यहाँ पर एक गोल दीवाल बनती हुई। उन दीवाल की शोभा को देखे, कितना सुंदर चित्रामन और उसमें 3 बड़े बड़े दरवाजे, एक गुलाई में घूमती दीवार उसमें 3 दरवाजे
और एक एक दवज्जी की वो सुंदर शोभा। इनके भीतर गएंगे तो अपने को तीन गलियां मिलती हुई, और जब इसको हम पार कर लेते हैं चार हवेलियों को, यहाँ पे एक हवेली का निशान दे रखा है, अपने ऐसे चार हवेलियां पार करनी है, तब भीतरी तरफ से निकलेंगे तो अपने को इस चबूतरे पर तीन सीढ़ी चढ़कर आना है। ये देखो 100 कोस का लंबा, 33 कोस का चौड़ा, हर दो दिशाओं में तीन तीन मेहराब, दाएं बाएं एक एक मेहराब, इधर से भी तीन सीढ़ियां, कठेड़ी की सुंदर शोभा होगी, यहाँ पे तले गिलम सिंहासन कुर्सियां जैसे हम यहाँ चबूतरे पर देख रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी सुंदर विस्तारित बैठक हो गई। तो इस सुंदर बैठक पर भोम दर भोम ऐसे अपने पास अष्ट मेहराबी भोम दर भोम 6 बैठ के आएगी, क्योंकि ये जो महल है 5 भोम 6 चांदी के है। तो इस तरह से ये अष्ट मेहराबी बैठक की सुंदर शोभा। और ये देखिए बाहर तरफ ही हमने देखा ना मध्य त्रिपोली के बाहर, ये देखिए मध्य त्रिपोली के बाद ये बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 50-50 कोस की चबूतरे, और दाएं बाएं ये हवेली, इनके भी छोटे द्वार छोटे चबूतरे, और यहाँ पर अपन 3 दरवाजे देख रहे हैं जिसे हम त्रिपोली में जाएंगे। और एक सुंदर शोभा यहाँ पर ये है कि रंग महल के माफक ही जहां पर हवेलियों के त्रिपोली कट रहे हैं, वहां पर अष्ट मेहराबी, वहां पर 24 मेहराबों की शोभा बनती हुई। एक बार दिखाती हूँ शोभा भी, ये हवेलियां जहां आपस में कटती है ना मुख्य द्वारों के सामने 24 मेहराबे, जहां हवेलियों के कोने मिल रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबे, और ठीक मध्य यहाँ चबूतरे की शोभा है। जैसे रंग महल के जहां हवेली के कोने मिलते हैं तो ठीक मध्य एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आता है ना, तो यहाँ भी ये देखो महाराज शिव जी के नक्शे में ये अपने को उन चबूतरों के भी निशान दे रखे हैं। जहाँ हवेली के कोने मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबे, जहाँ द्वार आमने सामने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे, और फिर वहां पे महाराज जी वर्णन करते हैं जहाँ छोटे त्रिपोली है वहां छोटे दरवाजे छोटे चबूतरे, जहाँ बड़े त्रिपोली है वहां बड़े चबूतरे। तो ये सुंदर शोभा 24 मेहराबों की भी। तो इस तरह से इनकी 5 भोम 6 चांदनी आई है, इन महलों की 5 भोम 6 चांदनी। सुंदर साहब जी इनका रिवाइज करेंगे। एक हवेली की शोभा, प्रणाम सुंदर जी, ये हमारी जो है 16 हवेलियों की शोभा आई है, जो 16 हवेलियां आई, इसमें हम एक हवेली की शोभा को थी, जो हमारी एक हवेली 50 कोस की आई, लंबी चौड़ी हवेली है, और इस हवेली के जो है एक तरफ हमारे 50 मोहर, तो चारों तरफ मिलाकर ये हमारे 200 मोहर की शोभा हो। उन मोहलों के अंदर आएंगे तो हमारी 1 खंभों की हार की शोभा आएगी, अंदर आएंगे तो फिर हमारे सुंदर बगीचों की शोभा आएगी, और बीच में मध्य में जो है हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, चबूतरे पर हमारे थंब आएंगे, थंबों पे मेहराबों, और मेहराबों में सुंदर हमारे हिंडोलों की शोभा आएगी। इसमें जो है मध्य में सिंहासन है, कुर्सियों की शोभा भी यहाँ पर। ये तो हुई हमारी एक हवेली की शोभा, ठीक है दीदी आप कुछ? हाँ जी, और हाँ, हाँ जी, गोल गुर्ज की भी बता दो। गोल गुर्ज जो हमारे 50 एक हवेली से और 50 दूसरी हवेली के लिए, ये हमारे हुए 100 कोस में हमारे गोल गुर्ज की शोभा की गोलाई लिए हुए, बाहरी तरफ हमारे 3 दरवाजों की शोभा आएगी, जिसे हम अंदर आएंगे तो हमें सामने 3 मेहराबों की शोभा दिखाई देगी, जहाँ हमारी 2 खंभों की हार 3 गलियां। अंदर चलेंगे तो हमारी यहाँ पर सुंदर बैठकें भी हैं, जैसे अभी आपने बताया यहाँ थोड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा भी है अंदर जाने के लिए। बाहर निकलेंगे तो हमारी वही मेहराबों की शोभा, इसमें हमारे जो है 100 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा चबूतरा उठेगा, जिसमें हमारी जो है 3 मेहराबे आएंगी भीतरी बाहरी तरफ और 3 मेहराबे भीतरी, एक एक मेहराब दाएं बाएं आएगी, तो ये हमारे 8 मेहराबे हो जाती हैं, जिसको हम अष्ट मेहराबी चबूतरा भी कहते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी।
हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार मैं पूरा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। बात पूछनी थी जो हमारा 100 कोस का चबूतरा है, 33 अभी का अभी बताती हूँ, वो शोभा भी बताती हूँ अभी अभी। नहीं नहीं मैं राह पूछ रही हूँ, मैं राह भी 33-33 कोस के बनेंगे ना फिर। हाँ यहाँ 33-33 कोस की त्रिपोली के अंदर यहाँ पे है ना, यहाँ 33-33 कोस की एक बार पूरा रिवाइज कर रही हूँ। तो सुंदर सा जी, हम जब हजार हाथ चांदनी पर आए तो सबसे पहले हमने 400 कोस की छज्जे की शोभा देखी। छज्जे से 3 सीढ़ी ऊंचा, ये देखिए एक हाँस का तो चौड़ा, हजार हाँस में कृतवाई अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब हम सिर्फ एक हाँस पे फोकस करें तो 50 कोस इन इन पुरुष ने लिए, 50 कोस इन पुरुष ने लिए, तो अपने पास 300 कोस की जगह रह गई। यहाँ पर भी 50 कोस की जगह छूटी, यहाँ पर भी 50 कोस की, तो अपने पास जगह है 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह, जिन पर 4 हवेलियों की 4 हारे आनी है। तो ये जो हवेलियां आई हैं 50 कोस की लंबी चौड़ी, 50 कोस की लंबी चौड़ी बेहद ही विस्तारित, क्योंकि यहाँ पर हर दिशा में 50-50 महल आए, एक एक कोस में एक महल की शोभा आई है। भीतर एक थम की हार, 2 गली, मध्य गली में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थम, उनमें हिंडोले, तले के लम, सिंहासन, कुर्सियों की अपरंपार शोभा। तो इस तरह से अपनी 4 हवेलियों की 4 हारे आई। 50 कोस की एक हवेली तो 200 कोस की जगह इन्होंने ले ली। मध्य त्रिपोलिया अपना आया है 50 कोस का, और दाएं बाएं के त्रिपोली आए हैं 25 कोस के, और अपन जो गुर्ज वाले देखेंगे त्रिपोलिये, ये त्रिपोलिये आए हैं 100 कोस के। तो यहाँ पर 33-33 कोस की गलियां हो गई। 50 में अपन 3 से डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से 25 को भी 3 से डिवाइड कर लेंगे, उस हिसाब से गलियां। अब हम देखेंगे हजार हाँसों में हमने गोल गुर्ज देखे, बाहर की तरफ गोल गुर्ज और भीतरी तरफ अष्टमेरावी चबूतरे। अब एक हवेली के ठीक मध्य जो 50 कोस का त्रिपोलिया है, उसके बाहर एक बड़ा दरवाजा 50 कोस का, 50 कोस का चौक, और दाएं बाएं 50-50 कोस के चबूतरे। इन हवेलियों में भी दाएं बाएं चबूतरे और दरवाजे की शोभा का वर्णन आया है। यहाँ पर वर्णन नहीं आता कि चबूतरा कितना है, पर एक एक कोस में महल आ रहा है, तो एक कोस का दरवाजा और एक एक कोस का चबूतरा ही दिल में आता है कि यहाँ पर होगा। तो इस तरह से यहाँ भी दरवाजे चबूतरे आए हैं, और यहाँ अपने को 3 दरवाजे, उनसे अंदर जाएंगे तो अपने को 3 गलियां मिलती है। अब जहां पर हवेलियों के दरवाजे आमने सामने आ रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे, जहां कोने आ रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे, और शिर रंग महल की भांति यहाँ पर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा उन पर सुंदर बैठ के। तो ये सुंदर शोभा हमने देखी हजार हाँसों में, ये 4 हाँस निकाल देवे, प्रत्येक हाँस में इसी तरह से शोभा। तो वर्णन में आता है कि 1000 गोल गुर्ज बाहरी तरफ, 1000 अष्टमेहराबी चबूतरे भीतरी तरफ, 1000 बड़े दरवाजे बाहरी तरफ। इन बड़े दरवाजे समेत इन दरवाजे को भी काउंट कर रहे हैं, तो 1000 दरवाजे बाहरी तरफ, 1000 भीतरी तरफ, 2000 चौकते गुर्ज बाहरी तरफ, 2000 चौकते गुर्ज भीतरी तरफ, जिसमें से 8 चौकते गुर्ज तो अपने 100 कोस के लंबे चौड़े आएंगे, और बाकी गुर्ज अपने 50 कोस के लंबे चौड़े आएंगे। ऐसे भोम दर भोम इनकी 5 भोम छठी चांदनी आई है। अब इसकी चांदनी पर चलते हैं। तो जब इन 1000 हाँस मोहलातों की चांदनी पर आएंगे तो भूम भर उठती दीवार, दोनों तरफ भूम भर उठती दीवार, महावन की तरफ भी और भीतर बगीचों की तरफ भी। चौकते गुर्ज यहाँ तक आए, ये देखिए इन दीवार तक अपनी चौकते गुर्ज आते हुए और उसके ऊपर घुम्मट आते हुए, और जो अपने गुर्ज आए हैं उन गुर्जों पर और अष्टमेरावी चबूतरों पर बैठ के। तो ये दरवाजे भी अपने यहाँ तक आते हुए, तो इन शोभा को महसूस करें कि जब हम यहाँ चांदनी पर हैं, 5 भूम छठी चांदनी पर, तो हम बाहरी तरफ भी अगर अष्टमेरावी चबूतरों में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इन दरवाजों से निकल सकते हैं, दाएं बाएं चबूतरों में जा सकते हैं, इसी तरह से भीतरी तरफ भी इन चबूतरों में आ सकते हैं, ये जो अपनी सुंदर बैठ के हैं यहाँ पर आ सकते हैं, इधर ये द्वार है, इन द्वारों से निकल कर इन चबूतरों पर भी आ सकते हैं चौकटे गुर्जों तक। तो ये सुंदर शोभा कि हम इस भूम पर ऊंची दीवार को बिल्कुल प्लेन दीवार ना माने, इस दीवार में ये मान के चले जो हमने अभी देखी शोभा, 16 हवेलियों की जो शोभा देखी, 4 हवेलियों की 4 हारे,
तो उनकी बाहरी दीवार संपूर्ण अपनी शोभा के साथ उठती हुई, उनके दरवाजे, उनके दाएं बाएं के चबूतरे, उनके गोल गुर्ज पूरे भूमि पर ऊंचे उठते हुए। इसी तरह से यहाँ पर भी शोभा, ये देखिए अपने को चबूतरे में जाने के दरवाजे मिलते हुए, ये द्वार खुलेगा, आगे कठेरा जरूर मिलेगा लेकिन इस द्वार को खोल के हम बाहर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर दीवार और इसमें हाँ जगह जगह अपने को सीढ़ियां भी मिलेंगी। ये शोभा बड़े दरवाजे की है जिसका वर्णन अभी करेंगे। तो अष्टमेहराबी के ऊपर भी सुंदर बैठ के, गोल गुर्जों पर भी बैठ के और चौकते गुर्जों पर इन भूम पर ऊंची दीवार की हद में यहाँ पर चार गुम्बद उठे, चार थम देहोरी गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा। तो इस तरह से हम हजार हाथ चांदनी पर आएंगे तो भीतरी और बाहरी तरफ जो अपनी चार हवेलियों की चार हारे हैं उनकी बाहरी और भीतरी दीवार संपूर्ण आवा के साथ ऊपर उठती है, दरवाजों की कमाने, चौकटे गुर्ज, गोल गुर्ज सब यहाँ तक आते हुए, और चौकटे गुर्जों के ऊपर गुंडों की शोभा और गुर्जों पर और अष्टमेहराबी चबूतरों पर तले गिलम सिंहासन कुर्सियां और उन पर बैठक की शोभा। और ये दीवार इतनी चौड़ी होगी कि इस पे आराम से हम आ जा सकेंगे। ये मान के चले हमारा 12,000 का मिलावा जो हम संख्या में लेके आते हैं, इस दीवार पर आराम से रमन कर सकते हैं। तो ये शोभा हुई चांदनी की। हाँ जी सुंदर साहब जी वर्णन करेंगे चांदनी का। चांदनी नहीं समझ में आई? हाँ जी सुंदर साहब जी, किसी ने रेज हैंड नहीं किया, इसका मतलब ये सुंदर साहब जी अपने खेल कर करें दोबारा। हाँ दोबारा ही कर देती फिर एक बार, किसी का भी रेज हैंड नहीं है तो मैं करूँ। हाँ आप करो। हाँ जी सुंदर साहब जी, धीरे धीरे अपना समझते, सबसे पहले तो हमारे पांच भूम तक ऊपर आ गए, फिर घेर कर एक भूम ऊंची दीवार उठ जाएगी। दीवार उठ गई, अब नीचे से ही शोभा को लेते हैं कि हमारी वो एक भूम दीवार पर क्या क्या आया है। हमने जैसे 16 हवेलियां समझी है ना, उसके बाहर हमने सबसे पहले नीचे क्या देखा था, बाहर एक हांस में, एक हांस की शोभा में जो हमने चौक ये चबूतरा कमर भर ऊंचा चबूतरे उठाए थे उसको सीधा ऊपर दीवार के ऊपर ले जाओ, एक भूम ऊपर सीधी उठ गई दीवार। अब चांदनी पे क्या नजर आ रहा है इन चबूतरों पर, वैसी एक भूम तक सीधी वैसे ही चबूतरे ऊपर तक गए, अब चांदनी पे हमारे इन चबूतरों के ऊपर सुंदर हमारे गुम्बद बन जाएंगे, जैसे चार थंब उठेंगे ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा ये हो जाएगी। अब इसके साथ जो हम छोटे दरवाजे हमने समझे हैं कि छोटे चबूतरे, तो वैसे ही शोभा का पिक्चर में इतना नहीं दिखाया गया है जैसे दूसरी हवेली के आगे हमारे छोटे चबूतरे और वो सब उठे, वो भी सीधा ऊपर जाएंगे तो उसमें छोटी ड्योरियां हो जाएंगी ऊपर। अब ये जो सामने हमारा इधर बाहर से हम गुर्ज देख रहे हैं, क्या क्या देखा था हमने, हजार गुर्ज भी देखे है ना, वैसे ही ऊपर चले गए ये गुर्ज, एक भूम इसकी भी दीवार वैसी शेप में एक भूम, यानी कि पांच भूम तक वैसे गए तो एक भूम और उठा लो तो छह भूम सातवीं चांदनी हो जाती है। तो इसपे क्या आ जाएगा, उस पे तो हमने गुम्बद वो बना दी, द्योरियां बना दी, इस पर सिर्फ सुंदर बैठ के यहाँ पे कुर्सी सिंहासन लग जाएगा। तो ये बाहर की शोभा में हमें ये नजर आ रहा है, चबूतरे जो बने थे उनपे छोटे चौकुटे गुर्ज और बड़े दरवाजे थे उनपे बड़े चौकुटे गुर्ज बन जाते हैं। अब चलते हैं भीतर की साइड, जैसा कि हमने समझा गोल गुर्ज के भीतर क्या आया था हमारा, अष्टमेहराबी चबूतरे, देखो दीदी का एरो जा रहा है ना वहां, वैसे ही सेम देखो तीन मेहराबे नजर आ रही है तो सेम एक भूम ऊंची वही दीवार वैसी ही उठ जाएगी। अब उसकी चांदनी पे अष्टमेहराबी चबूतरे के यहाँ पे वैसे ही बैठक यानी कि कुर्सी सिंहासन, उसकी शेप वैसी होगी गोल गुर्ज की चांदनी की गोल शोभा होगी।
तो सामने हमारी वैसी ही शोभा। तो अंदर हमारी बैठकों की शोभा, बाहर चबूतरों के ऊपर सुंदर गुम्बद कलश जैसी द्योरियां बन गई। तो यही चांदी की शोभा। और जैसे हमारे हर दरवाजे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अंदर भी वैसे ही दरवाजे खुलेंगे, यानी कि एक छत बन गई। हमने अपने घरों में देखा होगा ना, जब ऊपर छत पे जाते हैं तो छोटी दीवार नहीं होती, उस दीवार को जरा ऊंचा कर देते हैं। जैसे ये दीवार ऊंची दिखाई दे रही है ना, तो वैसे ही यहाँ एक बहुत ऊंची दीवार हो गई। और बाहर की साइड हमारे वैसे ही इन द्योरियों के बाहर भी यदि हमें अंदर आना है एक भूम, तो वहां भी सुंदर हमें दरवाजे मिल जाएंगे। सुंदर हमारे ये जैसे ये दरवाजे हैं, उनके आगे भी बाहर हमारी सुंदर कठेड़े लगे होंगे, और हम उन बाहर भी खड़े हो सकते हैं। यानी कि छत से उन दरवाजों में बाहर आना है, तो सुंदर हमें अंदर भी जैसे वो दरवाजा नजर आ रहा है, तो वैसे ही समान शोभा इस तरह से। ठीक है दीदी? हाँ जी। इसको ना यूं भी समझ सकते हैं, इस नक्शे से देखें, इधर से, कि यहाँ पे अपने को इसकी पांच होम छठी चांदी, लेकिन जब हम भीतर या बाहर रोंस पे खड़े हैं तो इनकी अपने को छह होमे नजर आए। ये देखो छह चबूतरे नजर आ रहे हैं ना, चौथे गुज, ये पहली होम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये चांदी पर शोभा है। लेकिन जब हम बाहर से देख रहे हैं तो अपने को ये छह भूम नजर आ रहा है, और सातवीं चांदी पर अपने को ये घूमट नजर आ रहे हैं। तो बाहर से ये शोभा संपूर्ण रूप से ऊपर जा रही है। जब चांदी पर पहुंचते हैं तो अपने को पता चलता है कि ये चांदी का पोर्शन है, नहीं तो यहां से देख रहे हैं तो ये शोभा भूम दर भूम छठी भूम लग रही है। भीतर से या बाहर से देखेंगे, ये बाहर से है, भीतर से हम देखें तो ये देखो यहाँ भी ये देखो पहली भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तो चांदी का पोर्शन हो गया ना, ये छठी, और इसके ऊपर सुंदर बैठ के, तो इस तरह से पांच भूम छठी चांदी, छठी चांदी पर ये जो बाहरी शोभा है संपूर्ण रूप से ऊपर जाती है। दरवाजे भी, चौखते, चबूतरे भी, सब शोभा ऊपर जाती है। हाँ जी सुंदर साहब जी, दो चार क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे शोभा का। अभी 6 बजे तक क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी डॉली जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वो पहले जिन नक्शों से बता रहे थे ना, उसमें ज्यादा नहीं समझ आया, अब जो नक्शे आपने दिखाए हैं ना, ये इससे थोड़ा क्लियर और हो रहा है। हाँ जी, एक बार कल वापस रिवाइज कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपना काशी में, क्योंकि आज लगा कि कुछ ज्यादा हो गया तो इसलिए करा तो सिर्फ हजार महाल मेहंदी किए हैं वैसे तो अपन ने। इसे हाँ जी, हजार हास की चांदनी ये समझ आया, उसके ऊपर ये 400 की जो पहले छज्जे बड़े थे, तो वो जो नीचे ये जो छज्जा है ना, ये छज्जा तो आप ये मान लो कि रंग महल का जैसे एक मंदिर का छज्जा बड़ा, यहाँ भी 400 कोस का छज्जा, क्योंकि यहाँ एक एक जो है ना वो 400 कोस ही एक के बराबर है ना, तो यहाँ 400 कोस की ही पूरी काउंटिंग चल रही है इसलिए। अच्छा, ये 400 कोस का ये बड़ा, उसके बाद 50 हाथ की 50 कोस की एक और छज्जा आया, रोंस आई, जैसे परिक्रमा रोंस कह सकते हैं। फिर उसके चारों दिशाओं में ये जो हर हास हास में गुर्ज आए, और उनके बिल्कुल वैसी ही शोभा भीतर की तरफ चौरस, वो जो अष्टमेरा भी चबूतरे आए, ये भी समझ आ गया। दो थंबों की हारे, तीन गलियां, त्रिपोलिये जो है वो आए, जो अंदर और उनके जो अंदर जो महल आपने बताए उनकी पांच भूम छठी चांदनी आई है। ठीक है, मेरे बिल्कुल शॉर्टकट जो है मुझे ये समझ में आया। नहीं, आपको सारा ही तो समझ में आ गया, हजार हास महलों की यही शोभा तो है, त्रिपोलिये, महल, चार हवेली, चार हार। एक शोभा और भी समझ में आ गई कि जो एक महल की जो शोभा आपने बताई कि जो 16 का जो एक है, 16 हवेलियों का एक दृश्य है जो इकट्ठा, तो उनके जो मध्य का त्रिपोलिया है जो 100 हाथ वाला है, उसमें 50 हाथ वाला, साइडों के जो त्रिपोलिया है 25-25 हाथ के, जो मध्य का त्रिपोलिया है वो 50 हाथ का है, उसमें एक विशाल द्वार आया है और आसपास चबूतरे आए हैं, और साइडों में जो है उनमें छोटे द्वार और छोटे चबूतरे।
ठीक है। हाँ जी पूरा सही बता दिया आपने। हाँ जी सिर्फ हजार हाँस महली कराए हैं और आपने पूरी शोभा का वर्णन कर दिया। ठीक है बहुत सुंदर। हाँ मेरे को लगा शायद मैं गलत। नहीं नहीं अच्छा हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी दीदी हाँ जी आपका हैंडल था ना दीदी। मैं ये कहती एक हवेली का कल दोबारा से करा देना। हाँ हाँ एक हवेली का ना कल रिवाइज करो वापिस। एक हवेली एक हवेली ये देखो बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली है। इसमें 50 कोस की हवेली है तो हर दिशा में 50 महल। फिर जैसे हम की हाथ दो गली रंग महल में आती है वैसे ही यहाँ ही है। और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा बस ये है। भीतरी गली में बाग बगीचे हैं और इन चबूतरे पर जो थंब है उनकी मेराबों में हिंदोले हैं। बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली। ये जो भीतरी गली आती है ना उस भीतरी गली में बाग बगीचे। ठीक है कल मेरे को रिवाइज करा दीजिएगा। हाँ कल तो रिवाइज होगा। ठीक है प्रणाम जी। वापस आ रहे हैं ना। हाँ जी प्रणाम जी सर। आंटी मैं ये पूछ रही थी कि जो ये दरवाजों के आगे वाले चबूतरे हैं ये फिर सबसे बड़े हुए ना मतलब ये जैसे हाँ, ये अभी तक ऊपर बड़े। देखिए अपन ने अभी तक की जो शोभा देखी उसमें ये अभी तक सबसे बड़े हैं। अभी बड़े दरवाजे अपन ने नहीं करे तो ये वाली शोभा अभी तक सबसे बड़ी है। दीदी कोई गिनती तो नहीं है ना क्योंकि 50 की तो हमारे पास जगह ही है तो चबूतरा से छोटा ही होएगा ना कि नहीं। 50 कोस का ही लंबा चौड़ा बताया यहाँ से जा पूरा? तो अपने को 3 सीढ़ी उतर के ही पार चढ़ना पड़ेगा। हाँ बस ये क्लियर करो। हाँ आंटी लेकिन ये हवेली का साइज तो सेम है हर हवेली का साइज मतलब ये चार हवेलियां हैं तो चारों हवेलियों का साइज सेम है तो इनके चबूतरे बड़े क्यों हैं ये बाहर वाली जो सेंटर वाली हवेलियों के। ये बड़ा दरवाजा हो गया ना बेटा। ये चार हवेली की चार हार को एक हवेली माना गया तो ये चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे देते हैं। अच्छा इसलिए मैं वो एक कंफ्यूज होगी तो सेंटर में। हाँ जी ये इधर एक और दरवाजों की शोभा है ना मैं वो समझ रही थी। अच्छा मुझे ये क्लियर ही नहीं हुआ। हाँ ये देखो हाँ एक इसमें दे रखा है नक्शा। हाँ ये देखो ये जो समूह है ना ये एक हवेली हुई इसके चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हुए। दरवाजे और भी मिल जाएंगे ये पर ये बड़े दरवाजे हैं। चार हवेली की चार हार इसको एक हवेली माना जाता है तो ऐसे घेर कर हजार हवेली कही जाती है मोटे रूप में। तो इसके चारों दिशाओं में 50 कोस का दरवाजा 50-50 कोस के चबूतरे जिन्होंने रोज को पूरा कवर कर लिया है ना। ठीक है मतलब अगर उधर से आ रहे हैं तो जगह नहीं है वहां पे सीधा ही हमें ये ऊंचे चबूतरे मिलेंगे कमर भर ऊंचे होके जाना उससे होके या नीचे छज्जे से होके। ठीक हाँ जी सिंह साहब। अष्ट मेहराबी द्वार का जरा बताना दीदी। अष्ट मेहराबी द्वार में 100 कोस का चौड़ा और 33 कोस का लंबा और उसमें इस तरह से शोभा रहेगी। ये देखो 3 मेहराबे बाहर 3 मेहराबे भीतर एक एक दाएं बाएं ये हो गया अष्ट मेहराबी चबूतरा अपना है ना। ये 3 मेहराबे अपने को यह नजर आ रही है आकाशी महल की तरफ एक दाएं बाएं और 3 अंदर भीतर गलियों की तरफ। गलियों की तरफ ये 100 कोस का चौड़ा 33 कोस का लंबा। हाँ 100 कोस का लंबा 33 कोस का चौड़ा। हाँ जी शिक साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी थोड़ा मुझे लेवल में कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने बताया 400 कोस बाहर छज्जे के बाद छज्जा 3 सीढ़ी नीचे है। छज्जा 3 सीढ़ी नीचे है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ जो ये बड़े हैं 400 कोस में जो महल बने हैं ये सब जो है 3 सीढ़ी ऊपर है ये सब महल। हाँ 3 सीढ़ी ऊंचा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बताया ना पूरे 1000 हाथ पे घेर कर आया है चबूतरे पर है। उसके ऊपर भी फिर जो ये चबूतरे उठे हैं दोनों तरफ। हाँ ये और 3 सीढ़ी और ऊंचे उठे फिर और 3 सीढ़ी उठ जाएंगे। ये पूरे 50 कोस में आए हैं जो हाँ, तो है। जब परिक्रमा कर रहे हैं तो उन चबूतरों से ऊपर होके नीचे आना पड़ेगा उतरना पड़ेगा फिर तो उसमें छज्जे पे। हाँ छज्जे पे आने के लिए नहीं नहीं आप जैसे यहाँ परिक्रमा कर रहे हो अगर इस चबूतरे से आना है बड़े से तो 3 सीढ़ी उतरना है
और अगर नीचे से होके आ रहे हो तो भी 3 सीढ़ी उतरना है, 6 सीढ़ी कैसे हुआ? अच्छा हाँ, ये तो पूरा पूरा कवर कर जाएगा ना। हाँ ठीक है, 6 सीढ़ी उतरेगी। हाँ छज्जे पे 6 सीढ़ी उतरेगी। हाँ जी, वो तो 50 कोस में पूरा है ना, पूरा पूरा 50 कोस में जो उतरा है उसका जो है। हाँ छज्जे पे 6 सीढ़ी। ऐसे ही आपने जो अंदर की तरफ बताया है, जब हम त्रिपोली से अंदर जाते हैं बड़े 100 कोस के त्रिपोली से, नहीं आगे छज्जे का वर्णन नहीं है ना, आगे तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। आगे तो अपन चांदनी जा रहे हैं ना, अपन चांदनी से कमर भर ऊंची जा रहे हैं, तो चांदनी पे तो यहाँ पर अपने को बगीचे की रोंस मिलेगी, उस रोंस पे 3 सीढ़ी ही उतरना होगा अंदर। लेकिन जो चबूतरा है 50 कोस का, 33 कोस का चौड़ा, उसपे भी आपने 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने की बात कही ना। हाँ यहाँ पर भी 3 यहाँ पर, लेकिन उसके बाद तो अपने को रोंस मिल रही है ना। 50 कोस की तो है वो, उसमें 35 में से 50 में 33 कम हो जाएंगे तुमने, वहाँ पे रोंस मिल रही है अपने को। उधर से भी चढ़ के जाएंगे उसमें, और फिर नीचे भी चढ़ के उतर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे रोंस में। नाम जी सुंदर साहब जी क्वेश्चन कर ले, बाकी या 3 है फटाफट ले। हाँ जी विशाली। नाम जी दीदी। नाम जी दीदी, आपने जो त्रिकोलिया बताया है जो गोल पुरुष के अंदर आया है, जो 3 गलियां आई है, तो वहां पे जैसे ये हमारी एक महाहवेली बनी जिसमें 16 छोटी छोटी हवेली बनी, तो उनके जो 50-50 कोस के चौकूटे गुर्ज आपने बताया बाहर, हाँ, वो नजर आएंगे, वो नजर आएंगे, तो वो चारों दिशा में है बराबर। तो अभी ये गुर्ज 50-50 कोस में दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो चबूतरे पूरे के पूरे यहाँ पर 33 कोस हो जाएंगे, यहाँ पर छोटे हो जाएंगे ये चबूतरे, ये सिर्फ एक ही गली में रहेंगे, यहाँ पर छोटे हो जाएंगे 33 कोस के रहेंगे। मतलब एक तरफ वो 50 कोस के होंगे जहाँ हवेली के चौड़ाई तरफ में है, और चौड़ाई में 33 हो जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। और ये अभी जो ये दीपी सिंह ने उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, आवाज ये जो ग्रीक चली, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही आवाज? हाँ जी हाँ, इन्होंने अभी जो क्वेश्चन पूछा तो उसमें ग्रीन आपने बोला कि वो चौकूटे गुर्ज है, वो ग्रीन जो हमारी बाहर की तरफ चबूतरा है। मुझे अभी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही वैशाली, वैशाली अभी भी आवाज कट रही है आपकी। हाँ आवाज कट रही है, अभी भी कट रही है, अभी भी हाँ जी कट रही है, अभी भी हाँ कट रही है। तो फिर मेरा क्वेश्चन रहने दो, कल आप आराम से पूछ लेना ना। सुंदर सा क्वेश्चन बाकी कल लेते हैं, सुने ना कल लेते हैं, नहीं तो है ना ग्रुप में लिख दो, मैं ग्रुप में देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अपनी अगली मीटिंग का टाइम हो गया। नहीं दीदी कल ही कर लेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी, है ना, तो कल करते हैं बाकी, है ना। हाँ, कल कर लेंगे, बताते हैं। बोलो श्री पन्नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय, प्रणाम जी।